हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं हिसार आया हुआ हूँ, और हिसार में आओ और अपने गांव में ना जाओ ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिलहाल मैं आया हूँ अपने गांव में, और हमारे खेत भी यहीं पर है। तो आपको दिख रहा होगा पीछे बोर्ड नियाणा का, तो ये है हिसार के अंदर हमारा गाँव नियाणा। अभी अपन जा रहे हैं गाँव के अंदर, और गाँव के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। गाँव के अंदर रोड्स बन चुकी हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका है। जैसे गांव हमने बचपन में देखे थे वैसे गांव आजकल नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो। गांव में आने की सबसे ज़्यादा खास बात ये रहती है कि जब भी आप गांव में आते हो ना, आपकी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, और मतलब गाँव वाले बहुत प्यार देते हैं आपको। थोड़ा सा ये है कि अब दादाजी दादी जी तो है नहीं है, तो थोड़ा सा गाँव में आना जाना हो गया हमारा कम, लेकिन फिर भी मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब भी आऊँ और अपने गाँव में ज़रूर आके जाऊँ। तो जाके मिलते हैं चाचा जी और से, और आपसे भी इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, दिखाता हूँ आपको गांव। और चाचा जी और से मिलते हैं और उनको नमस्ते करके थोड़ा चाय पानी लेके फिर आपसे करवाता हूँ थोड़ी सी इंट्रो, और दिखाता हूँ अपना घर गांव में कैसा है। तो अभी मैं हूँ अपने गांव में, तो रात भर अपने करीब पूरी मस्ती भाइयों के साथ करा, पूरा एंजॉय। और ये देख सकते हो आप, ये है हमारे पुराने यहीं पे पैदा हुए, और उसके बाद हम चले गए पंचकूला, शिफ्ट हो गए चंडीगढ़ में। तो ये देख सकते हो, ये मेरे बड़े चाचा जी का घर है, और ये खड़े हैं मेरे छोटे चाचा जी, और ये है छोटे चाचा जी का घर। और वैसे तो ये सारा परिवार हमारा ही है, ये पूरा मोहल्ला हमारे परिवार का ही है। जो मेन हमारी फैमिली है वो ये दो घरों के अंदर ही है, बाकी ये सारे हमारे स्टेप ब्रदर सिस्टर्स हैं सारे के सारे, हमारे दादाजी दादी जी और जो भाई बहन थे सारे वो वाले। और ये है हमारा गांव, ये है हमारी दादी जी अभी फ़िलहाल हमारी ये वाली, और एक और दादी, हमारी दो दादियाँ बची हुई हैं, बाकी तो हमारी दादियाँ हो गई है। तो ये हमारी दादी है, और बस यही है हमारे गाँव का ट्रेंड। तो भाई मैं तो जब भी हिसार में आता हूँ तो एक रात जरूर लगाता हूँ गांव के अंदर। गांव में आने का अलग ही मज़ा आता है, खेत में चले जाओ तो और अलग मज़ा आता है। गांव में एक अलग सा प्यार का माहौल है, और सबके साथ मिलना जुलना अच्छा लगता है, और खाना पीना भी अच्छा है। तो यहाँ पे आके मैं तो दो तीन गिलास लस्सी के पी चुका, तो दूध दही भाई बगड़िया है अपने घर की, वो हम कर लेते हैं इंजॉय। तो भाई ये देखो, मैं आपको थोड़ा सा अपना अंदर से दिखाता हूँ। ये हमारी पुरानी बैठक है, जो सबसे पुरानी बैठक है, अभी सिर्फ एक यही बैठक बची हुई है हमारी जो पुरानी है। और ये हमारी बैठक की, ये जब मैं पैदा हुआ था तब से मैं इसको देख रहा हूँ, ये हमारे देश का मैप इंडिया का, और ये तब से है जब हम बिल्कुल ही मतलब छोटे छोटे पैदा हुए थे यहाँ पर। और यही हमारी निशानी है कि हम भाई इंडियंस, प्रॉपरली हर चीज़ को, इंडिया हमारे खून खून में है, और हम इंडिया को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। और ये देखो, अभी तो पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, गांव पहले जैसे नहीं रहे, अब ये गांव पहले से चेंज हो गए हैं। अब ये देखिए, ये प्रॉपर इन्होंने पूरा कोठी टाइप बना रखा है। चाची जी सारा दिन काम करती रहती है। ये यहाँ पे है चार कमरे नीचे, और ऊपर दो कमरे और हैं भाइयों। ये देखो, ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर रखी हुई है, ये गाय के घोंसे हैं। तो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं गाय के घोंसे इसमें डालने के लिए। चूल्हा है हमारा, चूल्हे से हम लोग यहीं पे मतलब, ये देखो गोस्से पड़े दिख रहे होंगे आप भाई, ये देखो मशीन, ये मशीन है हमारी। यहाँ पे हम चारा जो हम करते हैं, पहले हम इसको हाथ से चलाया करते, पहले भाई इस गंडासे को हम हाथ से चलाया करते थे, मजे लेते थे छोटे होते थे जब। अब सारे बुजुर्ग हो गए पुराने हमारे चाचे चाची, तो अब ये मोटर लगा रखी है, मोटर चला देते हैं भाई, आराम से कट जाता है। ये भाई अपना सामान तैयार कर रहा है गाय के लिए खाना पीने का, तो अपनी गायें भैंस आराम से खाना खुना खाएंगी, हम लोग तो खा चुके। और ये है हमारा छोटे चाचा जी का घर। तो भाई घर पहले जैसे नहीं रहे, गांव में बदल चुका है सब कुछ। पहले ये घर हुआ करते थे छोटे छोटे दीवारों के और मिट्टी से लिपे हुए, तो अभी वो सिस्टम नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, कूलर और बाकी वॉशिंग मशीन सब कुछ है। तो ये चाची हमारी बैठी है, चाचियों का कोई काम नहीं है, सारा दिन बस रोटी बनाओ, खेत में जाओ, और बस यही है इनकी ज़िंदगी। और ये खुश है भाई अपनी ज़िंदगी के अंदर, आराम से मतलब अपनी रोटी का जुगाड़ कर लेते हैं शाम को, और बढ़िया दूध दही के साथ रोटी खा लेते हैं, और बस इनकी यही ज़िंदगी है, और ये खुश है उसके अंदर, कोई इनको टेंशन नहीं है। घर का दूध है, घर की भैंस है, घर की खेत है, घर की ज़मीन है, घर की कणक है, सब कुछ मतलब अपने घर में ही पैदा करते हैं, घर में ही खाते हैं।
तो भाई यही भी एक रीजन था जो मैं आप लोगों को बोलता था कि आई सपोर्ट फार्मर्स, वी सपोर्ट फार्मर्स, क्योंकि हम लोग भी किसान से ही पैदा हो रखे हैं। पहले हम भी किसान ही थे, अब नौकरी लग गई है तो हम शहर में चले गए, अदरवाइज तो हम लोग पैदाइशी किसान ही हैं। हमारे दादाजी दादी जी सब लोग किसान ही थे। इनफैक्ट हमारे चाचा जी चाची जी अभी भी किसानी कर रहे हैं, और हमारी खुद की जमीन जो है अब बस इतना है कि अब हम लोग नहीं करते, वो चाचा जी चाची जी और ही करते हैं उसके ऊपर सारा काम। भाई ये देखो, ये हमारा गांव का घर है, कहने को तो गांव का घर है लेकिन इन्वर्टर सब कुछ है भाई यहाँ पर। ये मेरी छोटी बहन बैठी है, इसको सारा दिन बस फोन के ऊपर कुछ ना कुछ देखती रहती है। ये देखो भाई गाँव की LCD। भाई अपन लोग कह देते हैं कि गाँव के अंदर कुछ नहीं, सब कुछ है गाँव के अंदर। जो लोग कहते हैं ना कि गाँव में कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, सब कुछ अवेलेबल है, 24 घंटे की लाइट का सिस्टम है। ये लो भाई किचन देख लो गाँव की। देखो बच्चे, पहले हम भी ऐसे ही घूमा करते थे गलियों में जब छोटे थे, तो अब थोड़े बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा चंडीगढ़ में जाके हवा लगी है। बाकी अंदर से वही है भाई, देसी इंडियन, और हरियाणा तो हमारे खून में है ही है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि हरियाणा हरियाणा ही है भाई, हरियाणा से ऊपर कुछ नहीं है। कहीं चले जाओ, गोवा चले जाओ, सिंगापुर, बैंकॉक, मैं काफ़ी जगह घूमा हूँ, लेकिन जो मज़ा हरियाणा में आता है, अपने घर में आता है, अपने गाँव में आता है, अपने शहर में जहाँ हम पैदा हुए हैं और जहाँ पे हम रहते हैं, जो नज़ारा वहाँ पे आता है वो नज़ारा कहीं नहीं आता। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अपने गाँव के ठाठ। तो अपने गाँव के जितने बुजुर्ग हैं जो कि अभी किसानी नहीं कर रहे हैं, वो अपना टाइम पास कैसे करते हैं, उसका तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं अपने गाँव के बुजुर्ग। नमस्कार जी। तो ये है जी हमारे गांव के सारे बुजुर्ग, यहाँ पे कर रहे हैं पूरा एंजॉय। तो ये हमारी अलग ही चौपाल चलती है। ये देखो, ये है हमारे गांव की मेन जो अड्डा है ना हमारे गांव का, जो हमारे गांव की शान है, वो ये सारे बुजुर्ग हैं और इनका एंजॉय देखो आराम से, मतलब सारे इकट्ठे हो गए आपस में बैठ के, मतलब कितना भाईचारा है गाँव के अंदर, शहर में तो कोई मिलता ही नहीं है। तो ये सारे ताऊ जी है हमारे, दादाजी है सारे के सारे, और अब कई बार तो हमें पता ही लगता है कौन ताऊ है, कौन दादा है, कौन चाचा है, तो सारे एक जैसे ही है भाई, सब मिला जुला सा परिवार है, और सारा का सारा हमारा परिवार है। मतलब अब बड़ा इतना हो चुका है कि थोड़ा अलग अलग घर बन गया सबके, बाकी ये सारा हमारा सेम एक ही है सारा, यहीं से भाई निकले हुए हैं, अपनी पैदाइशी प्रॉपर्टी और यही कमाई हुई प्रॉपर्टी। तो ताऊ जी आज तो खाली पत्ते पत्ते चल रहे हैं, कोई हुक्का वाला सिस्टम भी चल रहा है, कोई मतलब टाइम टेबल है क्या, कोई हुक्के का इतना टाइम है और उसका इतना टाइम है, कौन रहे एक आता है। तो भाई अभी सब लोग समझदार हो गए, सबको पता लग गया तंबाकू से थोड़ा हार्म होता है बॉडी को, तो अपने बुजुर्ग तो सबसे ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा ताऊ जी और दादा जी, और कि अपने कोरोना का क्या सिस्टम है, अपने गाँव में कोरोना का कुछ है इफेक्ट? कोई कोरोना नहीं है भाई यहाँ पे गांव के अंदर, सब लोग मतलब बढ़िया तंदुरुस्त लोग हैं, दूध दही मक्खन बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। तो कोरोना भी उसी को इफेक्ट कर रहा है जिसका खाना पीना अच्छा नहीं है, जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्हीं के लिए कोरोना है। यहाँ गांव में कोई कोरोना नहीं है, कोई लोग बीमार नहीं हो रहे, कोई किसी को कुछ नहीं हो रहा। ये देखो जी हमारे गाँव, ये सारे परिवार एक ही परिवार है सारा का सारा, बस ये है कि सबके अलग अलग घर बन गए, सबके बच्चे बड़े हो गए। मैं बिल्कुल छोटा सा था यहाँ पे, मतलब ये कह सकते हो कि मैं यहीं पे पैदा हुआ था। ताऊ जी आ गए हैं 90 साल के हैं ताऊ जी, तो मतलब यहाँ पे 80-90 साल उम्र आम सी बात हो, 90-100 ताऊ जी भाई 65 के हुए हैं, गलत इन्फॉर्मेशन चली। ये देखो हमारे बच्चे, मतलब सारे ऐसे मजा आ जाता ना गाँव में आके, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब कुछ भी छोटा सा भी एक फंक्शन हो ना किसी घर में, छोटा सी पार्टी हो जाए, चाहे कोई बच्चा हो जाए या फिर कोई किसी के घर में शादी हो जाए, तो ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई मजा आ जाता है, किसी को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, सारे अपने आप इंडिपेंडेंटली इकट्ठे हो जाते हैं। तो भाई यही है अपनी गाँव की प्रॉपर्टी और यही कमाई हुई प्रॉपर्टी। तो भाई जो लोग भी गाँव से निकले हुए हैं ना, वो सारे अपना बस इस चीज़ को मेंटेन कर लेना कि गाँव को मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि गाँव में जो चीज़ है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। शहर के अंदर आप लोग जितने मर्जी दोस्त बना लो, जितने मर्जी फ्रेंड्स बना लो, लेकिन जो प्यार, जो भाईचारा, जो साथ हम गाँव वाले एक दूसरे का दे देते हैं, वो कोई और नहीं दे पाता। तो चलो फिलहाल चलते हैं यहाँ से, अभी मैं निकल रहा हूँ गाँव से बाहर और जा रहा हूँ वापस हिसार, वहाँ जाके बच्चों को लेता हूँ और बच्चों को लेके चलते हैं वापस चंडीगढ़। तो बस आज के लिए इतना ही था, बस ठीक है राहुल जी, अभी तो फिलहाल निकल रहा है मुझे, तो मैं तो देख के आ गया था, मैं तो नमस्ते कर रहा हूँ साथ में सबको जाके, और साथ में थोड़ी सी शूट कर लेता हूँ अपने गाँव की।
तो अभी नमस्कार जी। एक आजकल मैंने ना नया एक चैनल बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें मतलब मैं दिखाता हूँ कि भाई अपना ट्रेंड क्या है हरियाणा का, तो मतलब हम हरियाणा के अंदर किस तरह से जीते हैं। तो बस ये हमारा कल्चर सब मेन जहाँ से शुरुआत हुई है। तो भाई अभी ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। तो अभी सबका बढ़िया एंजॉय हो चुका है, मेरे को देख के सारे खुश हो गए और मैं भी सबको देख के खुश हो गया हूँ। तो ये देखो भाई, इतने लोग, आप अगर आप सोचो कि शहर के अंदर इकट्ठे कर लो ना भाई, फोन करके हो तब भी नहीं आते इतने लोग यहाँ पे, सिर्फ मेरे यहाँ पे आने से हो गए। बल्कि ये मुझे अच्छा लगा कि हुक्का हक्का वाला सिस्टम थोड़ा कम हो गया, पहले से बंद तो नहीं हुआ होगा, हरियाणा है वो बस्ता हो जाएगा। हुक्के की आवाज आ गई, अब वो कह रहे थे चलो हुक्के बुला लो। तो भाई बढ़िया है, सबकी बढ़िया सेहत है, बढ़िया हंसते खेलते थके ला रहे हैं पूरे, और एज का तो चक्कर ही नहीं है कोई, एज तो एक मजाक है यहाँ पर कि भाई कोई 80 कोई 90 इस टाइप से सबकी एज चल रही है। तो ये देख लो 85 ईयर्स है, तो अभी भी मतलब प्रॉपर से ही चल रहे हैं, बढ़िया तरीके से खाना पीना सही चल रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर और फिर ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, मुझे अभी निकलना है हिसार के लिए। तो फिलहाल यहाँ से मूव करते हैं, अब चलते हैं हिसार। तो